सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने कोरोजन ऑफ द मेटल्स के बारे में हमने हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कोरोजन मेटल्स के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था कि क्या कोरोजन होते हैं, ठीक है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या उसकी प्रिवेंशन होती है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, एक लास्ट इस चैप्टर का थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, एक अलॉय के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन सा अलॉय, यह आपका क्या है, लास्ट टॉपिक है, अलॉय के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलॉय को डिस्कस करने से पहले देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि जो मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, मैलेबल होती है, डक्टाइल्स होती है, ठीक है, लेस्टर प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, अब उसमें अगर आपसे कह दिया जाए जो भी मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, उस फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करना है, इंप्रूव करना है, ठीक है, बढ़ाना हो उस फिजिकल प्रॉपर्टी को, तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि उस फिजिकल प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए, उसमें से फिजिकल उसमें मेटल्स में से और दूसरे मेटल्स क्या करे जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं, या फिर नॉन मेटल्स में से क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो उसी तो मेटल्स के मिक्सचर को या फिर मेटल्स में नॉन मेटल्स को मिलान, उसी प्रोसेस, उसी जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स को क्या बोला जाता है, अलॉय बोला जाता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए मेटल्स में दूसरे मेटल मिलाना या फिर एक मेटल्स में दूसरे नॉन मेटल्स मिलाना, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, उसी मिक्सर्स ऑफ मेटल्स को क्या क्या कहा जाता है, अलॉय कहा जाता है। ठीक है, और एग्जांपल्स देख सकते हैं, मान लो आपके पास क्या है, गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड का क्या मैक्सिमल होता है, यही होता है। ठीक है, आपने सुना होगा गोल्ड 24 कैरेट का होता है। ठीक है, 24 कैरेट का होता है गोल्ड। ठीक है, अब 24 कैरेट का होता है, ठीक है, जो भी जो जितने भी लेडीज होती हैं, जो गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, ठीक है, जो आभूषण पहनती हैं, उसमें 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट गोल्ड नहीं होता है। इसमें जो भी है उसकी जो गोल्ड की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, उसके लस्टर्स को बढ़ाने के लिए, उसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी, उसको मैलेबल प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, इस गोल्ड में क्या मिक्सर किया, इसमें क्या मिक्स किया जाता है, आपका सिल्वर मिक्स किया जाता है, एजी मिक्स किया जाता है आपका। ठीक है, और क्या मिक्स किया जाता है, आपका कॉपर मिक्स किया जाता है। ठीक है, इनकी आपकी परसेंटेज अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो इस गोल्ड में सिल्वर मिक्स किया जाता है या फिर कॉपर मिक्स किया, ये सभी क्या है, मेटल्स हैं भाई। गोल्ड के अंदर आप सिल्वर भी क्या मिक्स कर रहे हो या फिर कॉपर भी मिक्स कर रहे हो, ये सभी क्या है, एक मेटल में दूसरा मेटल क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो मिक्सर्स ऑफ मेटल्स को क्या कहा जाता है, होमोजेनियस मिक्सर मेटल्स को क्या कहा जाता है, आपका अलॉय कहा जाता है। ठीक है, आप सुनार की दुकान पे जाते हो, ठीक है, तो आपको दिखाता है उसके सुनार, ये देखिए बहन जी, 24 कैरेट प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट का गोल्ड है। ठीक है, लेकिन उसमें 24 कैरेट गोल्ड नहीं होता है, उसमें मिक्स क्या होता है, आपका सिल्वर मिक्स किया होता है, कॉपर मिक्स किया होता है। जी मिक्स करने के बाद आपका जो 24 कैरेट है वो डिक्रीज होगा, आपको 22 कैरेट आ जाता है, 22 कैरेट आ जाता है। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाई है हमने, ठीक है, उसकी उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, उसकी चमक को बढ़ाने के लिए ये जो मेटल्स हैं उसमें क्या किया जाते हैं, मिक्स किया जाते हैं। ठीक है, तो एक मेटल्स में दूसरे मेटल को मिक्स करना ही क्या कहलाता है, आपका अलॉय कहलाता है। ठीक है, तो अलॉय की डेफिनेशन क्या होगी वो देखो, अलॉय की, ठीक है, अलॉय की क्या डेफिनेशन होगी, अलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मेटल, एक मेटल से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करना ही क्या कहलाता है, और क्या कहलाता है, आपका अलॉय कहलाता है, या फिर एक मेटल में दूसरा नॉन मेटल्स भी मिक्स होता है, हो सकता है, और इवन मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड अलॉय। ठीक है, अलॉय है एक मेटल से, देखो एक मेटल से दूसरे मेटल्स को मिक्स करना,
ठीक है, कितने भी मेटल्स हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ठीक है। मेटल्स को मिक्स करना है, क्या कह रहा था आपका होमोजेनस मिक्स, वो क्या कह रहा था आपका अलॉय कहता है, और एक मेटल्स में दूसरे नॉन मेटल भी क्या किया जा सकता है आपका मिक्स किया जा सकता है, उसी को क्या बोला जाता है आपका अलॉय को जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल अमलगम। अब ये क्या होता है भाई, अमलगम जो होता है आपका मैग्नीशियम और मरकरी का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। आप हायर क्लासेस में जाओगे जब आपके रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, उसमें जो आपके एक एज ए रिएजेंट के रूप में काम किया जाता है मरकरी और अमलगम, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम भी क्या है, मेटल है, मरकरी क्या है, एचजी, मरकरी भी क्या है, मेटल है, ठीक है। इन दोनों को मिक्सचर को क्या बोला जाता है, अमलगम बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों में क्या है, मेटल, दोनों क्या है, मतलब कि अलॉय है वो आपका प्योर मेटल्स नहीं रहेगा, प्योर प्योर नॉन मेटल नहीं रहेगा, मेटल्स को क्या मिक्सर्स को ही क्या बोलेंगे हम, अमल मिक्सर को क्या बोलेंगे हम, अलॉय बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, अलॉय की जरूरत क्यों पड़ी भाई, पहले भी आप अभी बताया मैंने आपको अलॉय की जरूरत क्यों पड़ी, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हमेशा अलॉय की क्या कर क्या क्या करती है, हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। आजकल जितने भी आपके जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, आपके प्योर मेटल्स नहीं होता है, ठीक है, बहुत से ऐसे मेटल्स होते हैं जिसमें मिक्स है, जैसे आपका स्टील हो गया, स्टील भी क्या करती है आपकी, स्टील रहता है, स्टील होती है, उसमें भी आपका मेटल्स का क्या किया जाता है, मिक्सर किया जाता है, मेटल भी मिक्स किया जाता है, ठीक है। देखो पर्पज ऑफ नेक्स्ट टॉपिक डाल, पर्पज ऑफ अलॉय, पर्पज ऑफ अलॉय इज मेकिंग, मतलब अलॉय की बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, जरूरत क्यों है, ठीक है। सबसे पहले क्या आती है कि अलॉय से बनाने से हमें क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले आता है अलॉय क्या करता है, इंक्रीज इंक्रीज ऑफ हार्डनेस, इंक्रीज ऑफ हार्डनेस, ये भी क्या थी प्रॉपर्टी किसकी, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी थी कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। अब उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए मेटल्स में दूसरे मेटल भी क्या कर दिए जाते हैं, मिक्स कर दिए जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, एक मेटल में दूसरे मेटल को मिक्स किया तो वो क्या हो गया आपका, अलॉय होगा। तो अलॉय क्या करते हैं, हार्डनेस को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इंक्रीज इंक्रीज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, इंक्रीज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। जो आपका प्योर जो मेटल्स होता है वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसमें एक दूसरे को जो दूसरा जो मेटल्स मिलाते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ हो जाती है वो क्या होती है आपकी, इंप्रूव करती जाती है, वो क्या होती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, वो क्या होती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। थर्ड पॉइंट है लोअर मेल्टिंग पॉइंट, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखो अलॉय का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है आपका, लोअर होता है, कैसे, ठीक है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब आपका एक अलॉय दे दिया जाए, एक आपके पास प्योर मेटल दे दिया जाए, अब उसमें जल्दी मेल्ट कौन होगा आपका, अलॉय जल्दी मेल्ट होगा, ठीक है, इसलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लोअर होता है, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी अलॉय की, क्या प्रॉपर्टी, अलॉय क्या करते हैं, हार्डनेस को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, प्योर मेटल से उसका हमेशा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर होता है। फोर्थ प्रॉपर्टीज है इंक्रीज 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 द रेजिस्टेंट टुवर्ड्स टुवर्ड्स कोरोजन कोरोजन इंक्रीज द रेजिस्टेंट टुवर्ड्स कोरोजन, ठीक है, ये मतलब कि क्या होता है, कोरोजन लगने से भी हमें क्या होते हैं, कोरोडेड लगने से भी क्या बताता है, रेजिस्टेंट मतलब कि यह कम करता है, कोरोजन को भी लगने से बचाता है, ठीक है। देखो आपके पास एक स्टील है, स्टील के घर में आपने स्टील की कटोरी रखी होगी, या फिर एक आप स्टील ले लो, एक आपका प्योर आयरन ले लो, ठीक है, तो जंग किसमें से लगेगा, जंग जल्दी किसमें लगता है, जंग किसमें लगता है आपका, आयरन आयरन की जो मेटल्स की जो रोड होती है, आयरन मेटल की जो रोड होती है उसके क्या लगता है, जंग लग जाता है। लेकिन जितने भी आपकी जो स्टील की जितनी भी बाउल्स हैं कटोरी हैं उसमें आपका जंग नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि स्टील में जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो मेटल को मिक्स करके वो स्टील की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आपका जो जो आयरन है स्टील है, ठीक है, तो आयरन का आपके प्योर मेटल है, लेकिन स्टील है वो आपका क्या है, अलॉय है,
ठीक है, जैसे आपका अमलगम है वो भी क्या है आपका अलोय है। ठीक है, तो अलोय अलोय से हमें से फायदा क्या होता है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो इंप्रूव हो जाती हैं, कोरोजन से हमें बचाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हो क्या होता है लोअर होता है। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का क्या था आपका लास्ट क्या था टॉपिक था। ठीक है, ये चैप्टर आपका लास्ट टॉपिक था। अब क्या करेंगे इसके बाद दिन है, अब क्या होगा आपका, आपका काम क्या है। ठीक है, मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा या फिर इसके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके उसका जो एनसीईआरटी का जो थर्ड चैप्टर है वो आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसमें आपके अनसोल्व क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आप चैप्टर को एक बार पढ़ने के बाद, चैप्टर को पूरा रीड करने के बाद उसको क्वेश्चन सोल्व करके देखना उनके। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करके देखना। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन के क्या होंगे और उनके क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस होंगे उसको सॉल्यूशंस भी आपको भेज दूंगा, और उस सॉल्यूशन के जो एक्सप्लेनेशन है, उस सॉल्यूशन के जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको वीडियो के जरिए आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपका काम क्या है, लेकिन पहले आपके चैप्टर को रीड करके जो अनसोल्व जो क्वेश्चन आपको भेजे जाए, अनसोल्व जो क्वेश्चन अनसोल्व का जो चैप्टर है उसमें चैप्टर में जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आपके एक बार रफली एक बार आपको क्या करने क्या क्या करके देखना, उसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना, आप देखना कि आप कितना कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा उनकी, उनकी एक्सप्लेनेशन भाई उसके जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको बता दिए जाएंगे, उसको आंसर आपको 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 आपकी फोटो भी सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन आप उससे पहले आप क्या करें, खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखना इन क्वेश्चन। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।